हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक नए चैप्टर जिसका नाम है पॉल्यूशन विद डॉक्टर वीरपाल सिंह। बिफोर टू स्टार्ट दिस टॉपिक, वी आर गोइंग टू गो थ्रू द सेवरल पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। दीज पॉइंट्स आर वाटर पॉल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, स्क्रीनिंग, स्कीमिंग एंड सेडिमेंटेशन टैंक, कॉगुलेशन, रिडक्शन, क्लोरिनेशन, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन। नाउ द सेकंड टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन, द स्पेशल पॉइंट टू बी डिस्कस। दीज आर कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, कंट्रोलिंग मेथड। दीज आर इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर, स्क्रबर्स, ग्रेविटेशनल सेटिंग मेथड्स एंड बाई प्लांट्स अवेयरनेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आर गोइंग टू बी डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है परिधन आवरण, अर्थात चारों ओर का वातावरण जो हमारे जीवन और उनके विकास को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। यह मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सजीव जगत अर्थात जंतु और वनस्पति, सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। उसी तरह अजैविक घटकों में अंतर्गत निर्जीव जगत जैसे वायु, जल, आर्द्रता, ताप, मृद्धि कारक आदि निर्जीव घटक सम्मिलित होते हैं। जैविक और अजैविक घटक परस्पर संतुलित अवस्था में रहते हैं तथा एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रकृति में कोई अवांछनीय परिवर्तन जो संपूर्ण जीव जगत के लिए हानिकारक होता है प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण से जैविक अजैविक दोनों घटक प्रभावित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अवशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जक, धुआं, कृषि आदि में काम आने वाले रसायन, पेस्टिसाइड्स, मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप के कारण प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। यूं तो प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऊष्मा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्पेक्ट्रम प्रदूषण और भी अनेकों प्रदूषण हैं। मगर आज हम अपने टॉपिक में सिलेबस के हिसाब से दो प्रदूषणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हैं जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रचुर उपयोगी यौगिक है। पृथ्वी पर लगभग 75% भाग जल उपस्थित होता है, परंतु इसके बावजूद भी पीने योग्य जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जल मानव जीवन और जीव जंतुओं के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। प्राकृतिक जल में किसी भी अवांछनीय वाह्य पदार्थ की उपस्थिति आने से इसके गुणों में कमी आ जाती है, तो यह जल प्रदूषण कहलाता है। जल के गुणों में उसकी शुद्धता और प्रदूषितता का निर्धारण निम्न गुणों के आधार पर किया जाता है। स्वाद, टेस्ट में परिवर्तन आने पर, हार्डनेस में परिवर्तन आने पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल में परिवर्तन आने पर, कलर में परिवर्तन आने पर, टोटल डिजॉल्व साल्ट में परिवर्तन आने पर, गंदलापन, टर्बिडिटी में परिवर्तन आने पर, गंध, ओडोर में परिवर्तन ओडोर में परिवर्तन आने पर, एल्कालिनिटी, क्षारीयता में परिवर्तन आने पर, ऑक्सीकरणता यानी कि ऑक्सीडेबिलिटी में परिवर्तन आने पर, उसमें डिजॉल्व गैसेस में परिवर्तन आने पर जैसे ऑक्सीजन, CO2, N2, H2S एंड CH4 आदि गैसों में इनकी सांद्रता में परिवर्तन आता है, तो भी जल प्रदूषित हो जाता है। इन गुणों में से कोई भी गुण मानवीय कारणों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है तो जल प्रदूषित कहलाता है। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के निम्न कारण है, कार्बनिक कारण, अकार्बनिक कारण और सेडिमेंट्स, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, थर्मल पॉल्यूटेंट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। आइए एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, उर्वरक, संश्लेषित अपमार्जक तेल आदि के जल में जल के प्रदूषक के मुख्य कारण है। ये पदार्थ जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं जो जलीय जीवन के लिए आवश्यक होती है। ये प्रदूषक जल की सतह पर फैलकर जल में पहुंचने वाली प्रकाश और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। जैसे जीवाणु नाशियों में है DDT, 2,4-D एंड डिटर्जेंट में है एल्किल वेनिन सल्फोनेट। ये वो सभी कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि जल प्रदूषक का कारण बनते हैं। अकार्बनिक प्रदूषक जल में विलय अनेकों अविलय अशुद्धियां जैसे धातु, रेत, कागज, औद्योगिक इकाइयों से निकले हुए अकार्बनिक अम्ल, क्षार आदि जल को प्रदूषित करते हैं, तो ये जल के
ये प्रदूषक जल की कठोरता और क्षारीयता बढ़ाते हैं, जिससे जल में जीवन नष्ट हो जाता है और जल प्रदूषित हो जाता है। सेडिमेंट्स तलछट मृदा अपरदन के कारण जल के स्रोतों में ठोस पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल और एमएन जैसी धातुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। ये जलीय जीवन हेतु हानिकारक होती है और जल प्रदूषित हो जाता है। जैविक प्रदूषक बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, पादप एवं जंतु के अपशिष्ट पदार्थ आदि द्वारा बायोलॉजिक आदि पदार्थ मिलकर के बायोलॉजिकल जल को प्रदूषित करते हैं और ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। इनके कारण जल में नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप जल में यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो जलीय जीवन हेतु हानिकारक होती है। थर्मल पॉल्यूटेंट ब्रह्मांडीय नाभ की पावर प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट गर्म जल से जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे जलीय वनस्पति और जीवों के हेतु विपरीत प्रभाव पड़ता है और जल प्रदूषित हो जाता है। रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, रेडियोधर्मी अयस्कों के खनन, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, चिकित्सा में रेडियो पदार्थों के उपयोग, नाभिकीय परिरक्षण से जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, जो जलीय जीवन को नष्ट कर देते हैं। जल प्रदूषण के कारक और प्रभाव, हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को प्रभावित करती है और जल प्रदूषण को का प्रभाव मानवीय, जलीय जीव जंतुओं, पशुओं, वनस्पतियों पर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट क्या क्या है, इनको एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर क्वालिटी, जल की क्वालिटी पर जल के क्या प्रभाव पड़ता है। जल में प्रदूषकों के मिल जाने से जल गंदा, बदबूदार, रंगीन, गंदला हो जाता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। जल पीने योग्य नहीं रहता। अशुद्धियों के मिलने से श्वास पर, अशुद्ध जल को पीने से श्वास पर बुरा और विषैला प्रभाव पड़ता है। मानव मवेशियों पर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, प्रदूषित जल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोगों को भी पैदा करता है। प्रदूषित जल में उपस्थित विभिन्न जीवाणु, रोगाणु, डायरिया, पीलिया, हैजा, यकृत संबंधी रोग आदि पैदा होते हैं। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोरेसिस का रोग हो जाता है। इसी प्रकार जानवरों, जंतुओं में भी प्रदूषित पानी पीने से विभिन्न रोग पैदा हो जाते हैं। DDT, पारा, मरकरी, लेड, आर्सेनिक आदि जल में उपस्थित होने के कारण कई खतरनाक रोग पैदा हो जाते हैं। इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स, जल के प्रदूषित होने से जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। जल में फॉस्फेट नाइट्रेट की मात्रा में वृद्धि होने से शैवालों में वृद्धि होती है, फलस्वरूप जल की सतह पर शैवाल फैलकर सूर्य के प्रकाश के जल में प्रवेश करने से रोकते हैं, जिससे जलीय जीवन में जंतु मरने लगते हैं। जस्तासी से जैसे प्रदूषण फैलाते हैं। औद्योगिक जल उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर डिस्चार्ज, जल के प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसको कि कम करके हम जल प्रदूषण को से बच सकते हैं। औद्योगिक कहियों से निकलने वाले जल में अनेक प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जो जल को प्रदूषित करते हैं। इस अपशिष्ट जल को विभिन्न प्रकार से उपचारित कर पीने योग्य बनाया जा सकता है। इसमें सामान्यतः 3 स्टेपों का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। छानकर स्क्रीनिंग द्वारा गंदे जल में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों के बड़े बड़े कणों को, कचरे को जालियों से छानकर पृथक कर लिया जाता है। इसमें लकड़ी का कपड़ा, कागज, पत्तियां, टहनियां, कंकड़ आदि शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया हेतु मंद वालू फिल्टर, त्वरित वालू फिल्टर, उच्च दाब एवं निम्न दाब वाला फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है। और स्किमिंग में जल में उपस्थित तेलीय अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जल को स्किमिंग हौज में भेजा जाता है। तीव्र विडोलनों से जल में उपस्थित तेलीय पदार्थों को सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। सेडिमेंटेशन, यह सूक्ष्म कण जब छनकर पृथक नहीं, ऐसे सूक्ष्म कण जिन्हें छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के तल में बैठाना अवसादन कहलाता है, यानी सेडिमेंटेशन। इसमें जल को बड़े बड़े टैंकों में कई दिनों तक रखा जाता है और सूक्ष्म कण तल पर बैठ जाते हैं और जल को निथार कर अलग कर लिया जाता है और नीचे पैने में बैठी हुई जो सिल्ट है उसको अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से सेडिमेंटेशन को आधार पानी को काफी हद तक साफ कर लिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट की 3 स्टेप थे, अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। इसमें निलंबित कण जो बहुत हल्के होते हैं, उन्हें साधारण अवसाधन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिया जाता है। उसके लिए हम स्टेप्स हैं कई। सबसे पहला है इसका स्टेप, दैट इज कॉगुलेशन। जल में फिटग्री, भुना चूना, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट आदि रसायन मिलाए जाते हैं। इससे छोटे
पार्टिकल्स हैं वो कोगुलेट होकर के बड़े पार्टिकल बन जाते हैं और ये फिर ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, भारी होने की वजह से पैदे में बैठ जाते हैं और इन्हें पृथक करके गंदगी अलग कर ले जाती है। दूसरा स्टेप है इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, क्लोरीनेशन। जल में बैक्टीरिया वायरस अभी भी बने हुए रहते हैं, इनका नाश करने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए, इन्हें पृथक करने के लिए, जल को पीने को बनाने के लिए जल में क्लोरीकरण करते हैं। इससे जल के कीटाणु मर जाते हैं और कीटाणु रहित हो जाता है जल। क्लोरीन गैस डाल करके या ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जल में मिलाई जाती है। क्लोरीन जल से क्रिया कर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, जैसे इसे रिएक्शन में दर्शाया गया है। ये क्लोरीन गैस है, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर से निकले और चाहे वो क्लोरीन गैस पास करके आए, और ये पानी के साथ मिलकर ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। और ये हाइपोक्लोरस अम्ल है वो टूट करके नवजात ऑक्सीजन देता है। देखिए ये हाइपोक्लोरस अम्ल है और सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है, ऑटो डिकम्पोज होता है और HCl बन जाता है, और ये वो नेशेंट ऑक्सीजन है, और ये नेशेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जीवाणु रोगाणुओं को ऑक्सीकृत करके नष्ट कर देती है। क्लोरीन Cl2 की अधिक मात्रा भी जल में स्वाद को खराब कर देती है और ब्लीचिंग पाउडर की अधिक मात्रा भी जल को कठोर बना देती है, इसलिए इनका इस्तेमाल एक बैलेंस मात्रा में ही किया जाता है। एक स्टेप और है जिसमें कि हमें बताया कि बायोलॉजिकल मेथड भी है, इसके लिए जैविक साधनों का उपयोग कर जल को शुद्धिकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति जीवाणुओं का प्रयोग कर जल को शुद्ध करते हैं। अब जिसमें सबसे बड़ा है जलकुंभी, को एक पौधा होता है जो जल में पाया जाता है जिसे जलकुंभी कहते हैं। ये जल में प्रदूषणकारी तत्वों को अवशोषित कर लेता है और ये जल में बहुत तेजी से उग जाता है। ये फॉस्फोरस, नाइट्रेट, कैडमियम, लेड, जिंक, मरकरी, निकेल आदि को बड़ी मात्रा में अवशोषित कर जल को स्वच्छ बनाता है। जल में घुले हुए कोलाइडी कार्बनिक पदार्थ जीवाणुओं द्वारा दूर किए जा सकते हैं। ये बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया, जलकुंभी के साथ साथ हम बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्मजीवों को कार्बनिक पदार्थों को CO2 और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है और ये ऑक्सीजन है, और ये आपस में मिलकर के एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा CO2 H2O NH4 और नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। यही दूसरी तरफ एनएरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ये भी कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसमें CO2 और CH4 में परिवर्तित कर देते हैं और पानी को स्वच्छ करने में सहयोग करते हैं। तीसरा स्टेप जो था टर्शरी ट्रीटमेंट, वो प्राथमिक और द्वितीय उपचार के बाद शेष रही अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसमें दूषित जल को प्राथमिक और द्वितीय उपचार द्वारा स्वच्छ किए हुए जल को पुनः ट्रीटमेंट देकर के पीने योग्य में बदला जाता है। अब है देखिए, पहला स्टेप हमने पूरा किया है जो कि जल प्रदूषण था, और दूसरा टॉपिक है दैट वो है एयर पॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इन दीज डेज दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एयर। हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, सामान्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और शेष अन्य गैसें भी पाई जाती है जिसमें जलवाष्प वगैरह अन्य गैसें भी होती हैं। मानव के लिए शुद्ध वायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों का अनुपात संतुलित रहता है, परंतु इस अनुपात में थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है इससे चक्र को और वो वायु के चक्र को प्रभावित कर देता है और सीधा प्रभाव मानव जीवन, जीव जंतुओं, वनस्पति में पड़ता है। शुद्ध वायु के सामान्य संगठन में गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है, जो वायु जो कि पर्यावरण और मानव दोनों के लिए हानिकारक है। तो हम आइए देखते हैं कि इस वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के सामान्यतः दो कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानव जनित। प्राकृतिक में तो ये सभी आपकी जैसे ज्वालामुखी, प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी का फटना, आंधी तूफान, वनों में आग लगना, जंगलों में आग लगना, वनस्पतियों का सड़ना, परागण आदि, ये सभी प्राकृतिक प्रक्रिया हैं, वो प्राकृतिक सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है। मगर इनसे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है मानव जनित स्रोतों से एयर पॉल्यूशन होने में। मानव की कई सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे प्रकृति में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वायु प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कौन कौन सी मानव जनित क्रिया है उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं और प्रकाश डालते हैं। दहन, कंबसन से बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों को जब जलाया जाता है तो उन जलने से CO2, SO2, जलवाष्प, बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में बढ़कर वायु की
वायु की क्वालिटी को गिरा देती हैं और वायु प्रदूषण फैलाती हैं। जैसे और भी कई साधन हैं, जैसे वाहनों द्वारा कम्बोशन बाई ऑटोमोबाइल्स, स्वचालित वाहनों से निकल के फ्यूल के कम्बोशन से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये बहुत सारी गैसेज हैं जो कि वायु प्रदूषण के मेन कारण बनती हैं। कृषि कार्यों द्वारा एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं जो न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति को ही कम करते हैं बल्कि वातावरण में वायु की क्वालिटी को भी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। भौतिक साधनों मॉडर्न एमेनिटीज भौतिक साधनों द्वारा भी बहुत सारे वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं, जैसे मानव की भोग विलास की चीज़ों में जैसे एसी, फ्रीज शीतलक के रूप में प्रयोग किए, फ्रीज आदि में जो गैसें शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती हैं जैसे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोकार्बन, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मानव जीवन को, प्रकृति को और सभी जीवों को प्रभावित करता है। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर श्वसन तंत्र पर एक्सट्रीमली बैड इफेक्ट आता है। ये दूषित वायु श्वसन द्वारा मानव शरीर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनती है। वायु प्रदूषण द्वारा फेफड़ों संबंधी रोग, हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप जैसे बहुत सारे रोग मानव शरीर को हो जाते हैं। वनस्पतियों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूषित वायु से विभिन्न प्रकार की दूषित वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो कि पेड़ पौधों पर बुरा असर डालती हैं और इस प्रकार से उनकी बहुत सारी जो मूलभूत क्रियाएं उनको रोक देती हैं या उनको मंद धीरे कर देती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मौसम पर प्रभाव, मौसम पर भी वायु प्रदूषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव मौसम पर बहुत गहरा है। तापमान और वर्षा आदि वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, जैसे गर्मियों का समय बड़ा हो जाना, सूखा, अतिवृष्टि आदि वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो गया है, जिससे पृथ्वी का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा है। अम्लीय वर्षा, ये भी एक बड़ी समस्या है, ये वायु प्रदूषण द्वारा ही जनित एक समस्या है। सामान्यतः जल उदासीन होता है तथा इसकी पीएच बिल्कुल 7 ही होती है। इसी प्रकार वर्षा का जल भी लगभग उदासीन होता है, परंतु प्रदूषण के कारण वर्षा का जल का पीएच लगभग 5 से 7 के मध्य हो जाता है। अर्थात कभी कभी यह है इतनी अम्ली, यह जब वर्षा के जल में पीएच का मान 5-6 से कम हो जाता है तो यह अम्ली वर्षा कहलाती है। यह अम्ली वर्षा जल में प्रबल खनिज अम्लों का मिश्रण होने से ये अम्ली वर्षा कहलाती है। घरेलू इंजनों, कारखानों, मोटर वाहनों, बिजली घरों से बहुत अधिक मात्रा में निकलने वाले धुएं में CO2, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि मात्रा में पाए जाते हैं, जो वायुमंडल में पहुंचकर वायुमंडल की जल वाष्प से क्रिया करते हैं और संबंधित या करस्पॉन्डिंग एसिड बनाते हैं। आइए देखते हैं कि वर्षा या वाष्प से ये जो गैसेस के ऑक्साइड किस प्रकार से अम्ल बनाते हैं और पीएच का मान, वर्षा जल के पीएच का मान गिरा देते हैं। देखते हैं, सल्फर है, ये जलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड है वाष्प से क्रिया करती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है और सल्फ्यूरस एसिड है वो आगे ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है वाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है और ये जो NO2 है ये डायरेक्ट भी वाटर से क्रिया करके नाइट्रस एसिड बना देती है। CO2 वाष्प से क्रिया करके, जल वाष्प से क्रिया करके ये कार्बनिक एसिड बनाती है। तो हम देख रहे हैं कि पांच प्रकार के एसिड बनते हैं इसमें, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये बहुत सारे एसिड हैं जो कि वर्षा जल में मिल जाते हैं और उसको एसिडिक वर्षा बना देते हैं और ये एसिडिक वर्षा न केवल जनजीवन पर, पशु पक्षियों पर और पेड़ पौधों पर हानि पहुंचाती है बल्कि पूरी धरती को अनुपजाऊ बना करके वीरान बना देती है। हरित प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि आजकल की सभी जगह से हमें सुनने को मिलता है। हरित शब्द वनस्पति विज्ञान से लिया गया एक शब्द है, ये कंसेप्ट है।
जहाँ इसको हमने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। कम ताप वाली जलवायु में यानी ठंडे इलाकों में पौधों के विकास हेतु कांच की दीवारों वाला एक घर बनाया जाता है, पौधा घर बनाया जाता है, जो कि ग्रीन हाउस कहलाता है। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें इस पौधे में कांच के माध्यम से प्रवेश कर जाती हैं और पौधा घर के आंतरिक वातावरण को गर्म बना देती है। अर्थात पौधा घर में गैसें, उपस्थित गैसें गर्म हो जाती हैं। ये गर्म गैसें कांच की छत दीवारों से ढकी होने के कारण बाहर नहीं निकल पाती हैं। इससे आंतरिक वातावरण बाहरी वातावरण की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है और पौधे का विकास अच्छे से होता है। फलस्वरूप पौधे की वृद्धि के लिए उचित वातावरण प्राप्त हो जाता है और पौधा सामान्य से अधिक वृद्धि कर पाते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया जब प्रकृति पर भी हमें, धरती पर भी हमें देखने को मिलती है। हमारी पृथ्वी पर अधिकतर ऊर्जा सूर्य की विकिरणों से प्राप्त होती है। इसमें अधिकतर विकिरणें दृश्य स्पेक्ट्रम की होती है। कुछ अवरक्त किरणें होती हैं, प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। पृथ्वी पर आकर इन किरणों का लगभग 2-3% इसका 75% भाग पृथ्वी द्वारा दो तिहाई भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तस्येष अधिक तरंग दैर्ध्य वाली ऊष्मा किरणों के रूप में पुनः परावर्तित कर दिया जाता है। लेकिन विशेष बात देखने की यह है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जैसे CO2, जल वाष्प, मैथेन, NO2, N2O आदि इन उच्च तरंग दैर्ध्य वाली ऊष्मीय आयन किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी से वापस जाने से रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी के ऊपर एक आवरण सा बन जाता है और पृथ्वी गर्म हो जाती है। अतः यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर पाने वाली जो गैस के चारों ओर जो रहने वाली गैसें हैं, ये गैसें पृथ्वी से परावर्तित किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं और इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये इस इन गैसों में मुख्यतः CO2 प्रथम गैस है जो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसके साथ साथ जलवाष्प, मैथेन, N2O, CFC आदि है। वर्तमान में वायु प्रदूषण के बढ़ने से वातावरण में CO2 का स्तर बहुत उच्च हो गया है। अतः ग्रीन हाउस गैसों की प्रतिशत मात्रा भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अतः ग्रीन हाउस प्रभाव का मान भी बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैसें अधिक ऊष्मीय किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी के से बाहर जाने वाली ऊष्मा को सोख करके रोकती हैं, ऊष्मा को सोखती हैं और तापमान का बढ़ोतरी करती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव में वृद्धि कहना कहते हैं। अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, आइए इसे देखते हैं। इसका वातावरण पर कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। तापमान में वृद्धि के वातावरणीय प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो उससे तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी पृथ्वी की, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? ध्रुवों पर बर्फ पिघलना अधिक हो जाएगा, भूकंप और ज्वालामुखी का आना बढ़ जाएगा, जलवायु पर प्रभाव बढ़ जाएगा, चक्रवात एवं तूफान बढ़ जाएंगे, ग्लेशियर्स का सुकड़ना हो जाएगा अर्थात पिघल कर खत्म होते चले जाएंगे, वर्षा में अनियमितता आ जाएगी, ऋतुओं के समय अंतराल में परिवर्तन हो जाएगा, शीत ऋतु छोटी हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु बढ़ जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे जो रेगुलर चक्र हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फसलों पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ताप में वृद्धि होने से फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी और फसलों की पैदावार कम हो जाएगी और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके कम किया जा सकता है। CFC के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा करके भी और उसके नए विकल्प खोज करके भी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब देखिए इसकी एक और साइड इफेक्ट जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो विभिन्न मंडलों में विभाजित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को शोमंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसमें सभी वातावरणीय गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और जल वाष्प एवं अन्य गैसें पाई जाती हैं। लेकिन इससे ऊपर ट्रोपोस्फीयर से ऊपर दूसरी परत है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल कहते हैं, जो कि धरातल से लगभग 15-50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। यह स्ट्रेटोस्फीयर का मुख्य अवयव जो होता है वो होती है ओजोन।
ओजोन की यह परत होती है, इस परत में ओजोन पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली किरण यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी का बचाव करती है, उनका सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। अर्थात यूवी किरणों की अतिरिक्त ऊर्जा को शोख कर उन्हें उनके हार्मफुल इफेक्ट को पृथ्वी पर आने से बचाती है। ये कैसे बचाती है, हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि को। इस परत में ओजोन गैस द्वारा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पर्यावरणीय किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन द्वारा। ओजोन गैस है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनको एब्जॉर्ब करती है और खुद ओजोन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेशेंट में टूट जाती है। ये दोनों भाग अपनी जो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी की जो हीट एनर्जी थी इसको एब्जॉर्ब करके जो टूटे थे, ये वापस अपनी एनर्जी को रिलीज करके दोनों भाग पुनः संयोग कर ओजोन अणु बना लेते हैं। ये बना लिया। इसी प्रक्रिया में होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट किरणों की ऊर्जा कम हो जाती है और ऊष्मा के रूप में वातावरण में बिखर जाती है और उसका हानिकारक प्रभाव कम होकर के वो पृथ्वी पर चली जाती है। परंतु वर्तमान में प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने से क्या हो रहा है, सीएफसी मतलब प्रदूषण में वृद्धि होने से कौन कौन सी गैसें ज्यादा पैदा हो रही है, सीएफसी ज्यादा पैदा हो रही है, क्लोरोफ्लोरो ज्यादा पैदा हो रही है और NO2 मैथेन ओजोन, ये मुख्य जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेज हैं उनकी पैदावार, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, जो कि परावैगनी किरणों को सोखने वाली गैस जिसे कि हम ओजोन लेयर कहते हैं, उसको हानि पहुंचाने की ये नई शुरुआत हो जाती है इन गैसों के ज़्यादा पैदा होने से। तो देखिए सीएफसी गैसें किस तरीके से हानिकारक होती हैं। सीएफसी गैस जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आती है तो क्लोरीन एटॉमिक क्लोरीन बनाती है, क्लोरीन नेशेंट क्लोरीन बनाती है या मूलक जिसको हम कहते हैं रेडियल क्लोरीन बनाती है। यह मुक्त क्लोरीन ओजोन से क्रिया कर ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देती है और क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है। देखिए ये ओजोन है और सीएफसी से निकला हुआ ये नेशेंट जो क्लोरीन है, जो रेडियल क्लोरीन है, ये इसे क्रिया करती है और ओजोन को तोड़ देती है, ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा देती है और इस प्रकार से ये जो क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है ये भी आगे जा करके ये भी जब ओजोन को ये तोड़ देती है तो ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करके वापस निशेंट जो ऑक्सीजन बनाती है, मुक्त मूलक ऑक्सीजन भी क्लोरीन ऑक्साइड से क्रिया करके और पुनः इस तरह से ये निशेंट क्लोरीन बनाती है। ये क्लोरीन ऑक्साइड जो बना था क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कंपाउंड बना था उसकी क्रिया से, और ये निशेंट ऑक्सीजन है ये इससे मिल करके क्लोरीन का मूलक और दे देती है और ये क्लोरीन फिर दोबारा से हमारी ओजोन को नष्ट करती है। इस प्रकार से वो फिर ये ऑक्सीजन क्लोराइड है ये भी ओजोन को नष्ट करता है, देखिए ओजोन को नष्ट कर रहा है। इस प्रकार से वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड और सीएफसी से निकलने वाले ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं और ओजोन को नुकसान पहुंचाने से ये ओजोन की जो लेयर है उसमें कहीं कहीं डिप्रेशन छेद हो जाता है और छेद होने से जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को नुकसान करती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी है ये भी ओजोन पर किस प्रकार से बुरा प्रभाव डालती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से ये ऑक्सीजन बना दिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ओजोन से मिलकर फिर ऑक्सीजन बना दिया। इस तरीके से सीएफसी एनओ नाइट्रोजन ऑक्साइड और मैथेन वायुमंडल में मुक्त ओजोन को नष्ट करते हैं तो ओजोन के तीन दुश्मन हो जाते हैं। एक तरह से सीएफसी है और एनओ है, NO2 है, CH4 है और एक और जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये सभी जब ओजोन को नष्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ओजोन लेयर में छिद्र पैदा हो जाता है और उस छिद्र से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे पृथ्वी पर आने की संभावना बढ़ जाती है। ओजोन अक्षय के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के क्या बुरे प्रभाव मानव जीवन पर पृथ्वी पर पड़ते हैं, आइए देखते हैं बिंदुवार। ओजोन हानिकारक पर्यावरणीय किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है, अतः पृथ्वी पर उपस्थित प्राणियों हेतु सुरक्षा परत का कार्य करती हुई ओजोन लेयर नष्ट होती है तो उससे बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ओजोन परत यूवी किरणें
और त्वचा कैंसर, यानी कि ओजोन परत नहीं रहेगी तो यूवी किरणें आएंगी, यूवी किरणें आएंगी तो जनजीवन पर वो स्किन कैंसर पैदा कर देंगी। यूवी किरणें आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन कर देती हैं, बहुत हाई एनर्जेटिक होती हैं तो हमारे जो आनुवंशिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये म्यूटेशन पैदा करके कुछ भी खतरनाक लक्षण पैदा कर सकती हैं। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण दर को डिस्टर्ब करके ये फ्लोरा और फौना दोनों को डिस्टर्ब करती है। ओजोन क्षरण से जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, ताप बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, प्रभाव बढ़ता है और बहुत सारे जलवायु परिवर्तन होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। विभिन्न प्रकार के आँखों के रोग, आनुवंशिक रोग हो जाते हैं, अनाज उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। तो ये थे ओजोन डिप्लीशन के बुरे प्रभाव। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद आइए पुनः एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं कि हम जो जो पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं। वाटर पॉल्यूशन को हमने विस्तार से पढ़ा है, कॉजेज इफेक्ट ट्रीटमेंट और इसके प्रभाव हमने देखे हैं और इसके कम करने के बहुत सारे उपायों का हमने विस्तार से वर्णन किया है। अभी दूसरा पॉइंट है एयर पॉल्यूशन, जिसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा है, इसके कारण और इसके प्रभाव, इसके एयर पॉल्यूशन कम करने के बहुत सारे उपाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके कारण, इसके प्रभाव, इसको कम करने के बहुत सारे उपायों के बारे में चर्चा की। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसके कारण और इसके प्रभावों का अध्ययन किया। एसिड रेन, इसके कारण और प्रभावों का अध्ययन किया। इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को विस्तार से अध्ययन किया है। तो आइए हम एक बार पुनः आपको थैंक यू कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिलाएंगे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट फॉर टू लिसन अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज डॉक्टर वीरपाल सिंह एंड अनदर यूट्यूब चैनल इज सीईजी जयपुर। इन दोनों ही यूट्यूब चैनलों पर आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को और इससे पहले बने हुए सभी वीडियो लेक्चरों को इन दोनों ही यूट्यूब चैनलों पर दोबारा से देख सकते हैं। इन दोबारा से एक बार से मैं याद दिलाऊंगा, मेरे दोनों YouTube चैनल हैं, इसका नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह और दूसरे का नाम है CEG जयपुर, जहां पर मेरे सारे वीडियो चैनल वीडियो लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। धन्यवाद।